भाई अभी सीन उठ चुका है, सीन ये कि हमें बॉगी नहीं मिल रही। कौन सी बॉगी है? हम तीन उठ चुके हैं और ये अब्बाई साहब सो रहे हैं और ये तो मरे हुए रहते हैं हर वक्त। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ आवर पाकिस्तान टूर सीरीज और इट विल बी द लास्ट सीरीज ऑफ आवर पाकिस्तान टूर। और जो आज की सीरीज है वो अगेन रावलपिंडी से स्टार्ट हो रही है, जहाँ से हमारी सीरीज जो स्टार्ट हुई थी। बाकी ये कि सारा सामान जो है ना पैक हो चुका है। अब भाई सारा सामान आ गया, पर गाड़ी भी आ गई है। इसको देखकर अकड़ना नहीं यार। भाई रावलपिंडी में बारिश हो रही है, मौसम बहुत हसीन हो रहा है। और दे। बस तेज ना हो बारिश ताकि हम सेफली अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। भाई अभी सीन हो चुका है, सीन ये कि हमें बॉगी नहीं मिल रही। कौन सी बॉगी है? और गोल भाई भी देखने गए तो अभी फिलहाल हमें सामान यहाँ रख दिया। अब भाई क्या हुआ हमारा? भाई इधर से चलेंगे। क्या हो गया यहाँ में? वो कहाँ गया वाला? आशिर कहाँ गया? आशिर आशिर अंदर क्या? आशिर अंदर है। फिलहाल सामान यहाँ रखा हुआ, आज सीन हो गया हमारे साथ। अच्छा भाई फाइनली हमें पता लग चुका है, गोल भाई ने कहा पीछे से पीछे वाला डब्बा। अच्छा ये हाँ भाई, तो फाइनली हम लोग जो हैं वो लाहौर स्टेशन पर पहुँच चुके हैं और सारे बॉयज़ हैं वो अभी फ़्रेश वगैरह होने गए हैं। हम लोग फ्रेश हो चुके आ चुके हैं, जिसमें अब्बाई आशेर और मैं। बाकी अब जो है थोड़ा खाने वाने का करना है भाई, क्योंकि हमने आज जो है बहुत हल्का फुल्का खाया था, चिकन स्प्रेड और ब्रेड खाई थी बस चाय, क्योंकि भाई छः बजे घर से निकले थे क्योंकि हमारी ट्रेन थी 7 बजे की, तो बस इसी वजह से। बाकी बॉयज़ आ चुके हैं। अच्छा भाई अभी हम आए हुए हैं हाफिज़ होटल पे और यहाँ पे जो है हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं कौन से सालन लेने चाहिए खाने के लिए। बाकी ये कि हमने अभी खाना खाना भी है और पैक भी कराना है, तो हमें ट्रेन में खाना होगा, तो ये स्टेशन से निकलते ही एक होटल है। अच्छा भाई अभी का सीन ये है कि हमारा खाना आ चुका है स्टेशन पर और आते ही हमें एक बैड न्यूज़ सुनने को मिली है। वो बैड न्यूज़ ये है कि आशिर भाई बोल रहे हैं कि ट्रेन जो है हमारी वो 2 घंटे लेट है। तो भाई ये भी एक बैड न्यूज़ है। बाकी ये कि पहले खाना खाते हैं, खाने में हमारे पास पालक है और कलेजी है, बाकी खाते हैं भाई इंशाल्लाह। अब भाई तो फाइनली ये सारी जो है वो लेके आ चुके हैं, सामान वामान रखा जा चुका है, ऊपर आप देख रहे होंगे। और इस टाइम गर्मी की वजह से भाई की तबीयत हो गई बहुत ख़राब, क्योंकि लाहौर में इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम सिर्फ कराची में लौट होते थे कि भाई कराची में गर्मी है, कराची में गर्मी नहीं भाई, लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हालत जो है बाकी मेरे को कुछ स्नैक्स वगैरह लेने गए अपने, बाकी बस क्या कहना चाहेंगे आप गर्मी के हवाले से? आज गर्मी देखने कितनी ज़्यादा हो रही है, हवा नाम की चीज़ नहीं है हकीकत। कराची में हवा चल हवा चल जाती है, बहुत बहुत गर्मी है और सोने पर सुहागा 3 घंटे जो स्टेशन पर गुजारे वो दिखाया मैंने, क्या किस तरह खाना खाया हमने और किस तरीके से हमने इंतकाल हो गया बंदे, बहुत नाजुक सूरत हाल है। अच्छा ट्रेन के बारे में क्या चाहिए? माशाल्लाह साफ सुथरी ट्रेन लग रही है, अल्लाह का शुक्र है ट्रेन साफ है, लेकिन पंखा हवा नहीं दे रहा। वो तो शो के लिए लगाया हो ना खाली? वो तो लगे हुए लेकिन फिलहाल शो के लिए। अब अल्लाह करे ट्रेन चले तो कुछ हवा आए कुदरती। हाँ बस 20 मिनट के बाद है ट्रेन। तो भाई लोग हम लोग सब उठ चुके हैं, हम तीन उठ चुके हैं और ये अब्बाई साहब सो रहे हैं और ये तो मरे हुए रहते हैं, हर वक्त सोते रहते हैं। इनका एक और क्लिप है लाहौर स्टेशन पे पीछे।
तो फाइनली हम कराची पहुंच चुके हैं और अल्लाह का शुक्र है ये सफर हमारा बहुत ही साथ सागे से गुजर गया, जबरदस्त गुजर गया, क्योंकि बकौल आखिर हुआ है कि जब हम नारायण से निकले उसके बाद लाइट सेटिंग हुई है बाबूसा नारायण वाले रोड पर भी सर्दू में भी हुई है। तो भाई अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि साथ सागे से सारे लड़के जो हैं वो अपने अपने घर जा चुके हैं, हम भी रास्ते में बस, और अपनी जो अली सीरीज थी हमारी यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह का शुक्र है और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें।